2020 खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले दुनिया के सामने एक ऐसी खबर ने हड़कंप मचा के रख दिया है कि कोरोना के 3 नए वेरिएंट पाए गए हैं। माना जा रहा है कि ये जो नए वेरिएंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये दुनिया में बहुत तेजी से फैल सकते हैं। उससे पहले कई देशों ने यूके से आने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया था, क्योंकि माना जा रहा है कि जो नया वेरिएंट जो पाया गया है वो सबसे पहले यूके में पाया गया था, उसके बाद जो दूसरा वेरिएंट पाया गया था वो साउथ अफ्रीका में पाया गया था, और तीसरा जो वेरिएंट पाया गया था वो नाइजीरिया में पाया गया था। यूके के इस वेरिएंट के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये 70 गुना तेजी से लोगों को अपने चपेट में लेगा और 70 गुना तेजी से लोगों को प्रभावित करेगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। और इसी कारणों की वजह से कई देशों ने यूके से आने वाली फ्लाइटों को रद्द कर दिया था। दूसरा जो वेरिएंट पाया गया है वो साउथ अफ्रीका में पाया गया है, और ये माना जा रहा है कि ये यंगर जनरेशन को काफी ज्यादा प्रभावित करता है और यंगर जनरेशन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। तो क्या ये माना जाए कि जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है वो इन 3 वेरिएंट्स के ऊपर असरदार साबित नहीं होंगे? क्या दुनिया को फिर से नए वैक्सीन बनाने पड़ेंगे? इन्हीं कई सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या ये 3 वेरिएंट जो अभी हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन हो गया या फिर फाइजर का जो वैक्सीन अभी कुछ दिन पहले दुनिया के सामने जो सबसे पहला वैक्सीन आया था, तो क्या ये माना जाए कि ये 3 वैक्सीन फेल हो सकते हैं इन 3 वेरिएंट के सामने? ऑक्सफोर्ड के डेवलपर्स का मानना है कि जो अभी उन्होंने वैक्सीन जो तैयार किए वो काफी ज्यादा जितना पहले स्ट्रेन पे असरदार था, वो जो नए स्ट्रेन पाए गए उन पे भी उतना ही असरदार होगा, जो कि काफी अच्छी खबर है हमारे लिए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन अभी दुनिया के सामने मौजूद है वो कहीं इन नए स्ट्रेन पे उतना कारगर साबित नहीं हो और दुनिया को फिर से एक साल के लिए लॉकडाउन में के चपेट में मत आना पड़ जाए वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन इतना जल्दी बनता नहीं है। वैक्सीन बनने के लिए कम से कम एक साल का तो समय लगता ही है, क्योंकि उसमें 3 फेज का ट्रायल होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, और उससे पहले भी एक ट्रायल होता है जो कि एनिमल पे किया जाता है, जो कि एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है। और अगर मान लीजिए कि अगर ये जो नए वेरिएंट आए हैं वो उन पे अगर वो वैक्सीन असरदार नहीं होता तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल होता दुनिया के सामने। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन को डेवलप करने वाले हैं उन्होंने एक लेख लिख के ये बात कंफर्म कर दी है कि जो वैक्सीन उनका जो पिछले स्ट्रेन पे जितना असरदार था इस स्ट्रेन पे भी उतना ही असरदार होना चाहिए, जो कि काफी अच्छी खबर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही कोविड से रिलेटेड और दुनिया पे असर डालने वाले ऐसे ही मुद्दों से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।